का वीडियो में हम देखेंगे कि स्कैल्प मसाज कैसे करते हैं, थ्री इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर स्कैल्प मसाज, जिससे हमारे बालों को मजबूती प्रदान हो और जो मिनिएचराइज्ड बाल हैं उनको लेंथ मिल सके। नमस्कार भाई लोग, और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो स्टॉप हेयर फॉल सून में। जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो हेयर फॉल से जूझ रहा है, उनके लिए चैनल बहुत सही होने वाला है। इसलिए भाई लोग ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्कैल्प मसाज के बारे में सोच रहे हैं तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों करना चाहिए, वो दिमाग पे शौली घूमता है। उसके लिए भाई लोग ये वीडियो देखो, आपको बहुत सही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये कुछ पिक्स हमारे बालों के स्ट्रक्चर हेयर एनाटॉमी को बयां करता है। इसमें विजिबल है कि कैसे हेयर रूट, स्पेसिफिकली बोला जाए तो डर्मा पैपिला, फॉलिकल्स पैपिला कनेक्टेड हैं हमारे ब्लड वेसल्स से। इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ही हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिएंट मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और ब्लड फ्लो बना रहता है, जिससे वो लंबे समय तक बने रहते हैं। बट ड्यू टू एज फैक्टर प्लस DST के कारण ये एरिया ब्लॉक होने लग जाता है और हमारे बालों के जड़ों को ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट मिलना बंद हो जाता है। मगर आज के स्कैल्प मसाज से आपको ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके बालों में निरंतर ब्लड फ्लो, न्यूट्रिएंट बनी रहेगी। आपने ये वीडियो देखा उस पर क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि स्कैल्प मसाज क्यों ज़रूरी है। अब भाई लोग हमें जानना है कि स्कैल्प मसाज तीन स्टेप्स में कैसे करते हैं जिससे हमारे बालों को मजबूती मिले। पहला भाई लोग, बहुत सारे मिस्टेक्स हम लोग करते हैं अगर स्कैल्प मसाज करते हैं। कभी भी याद रखना है, एटलीस्ट वंस अ डे इसको करते रहना है। प्लस जब भी स्कैल्प मसाज करें तो हमें अपने फिंगर टिप से इसको मसाज करना है, कभी भी नेल्स का उपयोग ना करें, बिकॉज ये डैमेज करता है हमारे हेयर रूट को। तो कैसे करना है तीन स्टेप में, ये देखिए। पहले जैसे रिलैक्स मोड पे हम लोग जिम में जाते हैं, तो रिलैक्स मोड पे स्टार्ट करने के लिए नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही जैसे स्कैल्प मसाज करने के लिए स्टार्टिंग में एक आरामदायक मसाज होती है। सिर्फ अपना फिंगर टिप से ऐसे ऐसे करना है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, प्लस आफ्टर दैट ऐसा एक सर्कल। यही है पहला स्टेप थ्रू विच हमारे बालों को मजबूती मिलती है। देखिए, पांच बार करना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, उसके बाद सर्कल, बस ऐसे ही पूरा एक सर्कल पे करना है हम लोगों को, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन और सर्कल, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन और सर्कल, है ना भाई लोग। अप डाउन, अप डाउन, डाउन, अप डाउन और सर्कल, है ना भाई लोग। यही है पहला स्टेप, कंप्लीट हो जाता है इसी पे ही। अब दूसरा स्टेप पे हम लोगों को यूज़ करना है अपने पाम का, है ना। इसमें ऐसे ही यूज़ करना है पहला, और इसको भी ऊपर नीचे ही करना है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पांच बार करें। उसके बाद इसको भी सर्कल, डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन और सर्कल, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन और सर्कल, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन और सर्कल, इस पे भी अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन और सर्कल। पाम से ही यूज करना है भाई लोग अपने। हाँ, ये सेकंड स्टेप पे अपना ये ख़त्म होता है, है ना। हार्डली इट्स गोइंग टू टेक 20 सेकंड्स, है ना, एक स्टेप कंप्लीट करने में। दो स्टेप कंप्लीट हुआ है, अभी थर्ड स्टेप पे पहुँचते हैं।
इन विच अपन को पाम का ही यूज़ करना है, मगर इसको क्रॉस करके, हाथों को इसे क्रॉस करके पहले अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 5 बार करना है भाई लोग, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन नाउ ना सब एरिया में करें, इसमें सिर्फ अप डाउन ही करना है बेटा, सही सब लोगों को अप डाउन 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 अप डाउन, है ना भाई लोग। यही एक नॉर्मल स्टेप है, हार्डली इस सब को मिलाएंगे तो 1 मिनट लगेगा। ट्राई करें एटलीस्ट वंस अ डे इसको करते रहें, बिकॉज ये फ़ायदा श्योरली देता है। और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो इस स्कैल्प एक्सरसाइज के द्वारा भी बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिल पाया है, एंड मैं बोलूँ तो मैं भी उनसे ही सीखा हूँ ये सब, प्लस अराउंड हार्डली मेरे को 1 महीना ही हुआ है ये करते हुए, और रिजल्ट आप नहीं यकीन कर पाएंगे, बट रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। अभी रिजल्ट कितना मिला है, नो डाउट इन इट, मैं मिनोक्सिडाइल भी यूज़ करता हूँ तो उसकी भी देन है, शॉली ही उसी की ही देन है, बट इवन स्कैल्प एक्सरसाइज को भी क्रेडिट। ये पिक्स देख सकते हैं भाई लोग अराउंड 1 साल पहले की हैं, मेरा ग्रेड ऑफ बालनेस वॉज अबव 4, नो डाउट इन इट कि बालों का लेंथ छोटा है तो स्कैल्प ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। मगर ये देखिए भाई लोग, अभी के ये पिक्स के बाद से बालों की लेंथ ठीक ठाक है, इतनी छोटी नहीं है, बैक साइड प्लस साइड पे बाल अच्छे बढ़े हैं, बट मिड स्कैल्प एरिया प्लस हेयर लाइन पूरी डैमेज दिख रही है। इससे इम्प्रूवमेंट कितना मिला है अभी ये देखिए, मिनोक्सिडाइल प्लस अदर एलोपैथिक मेडिसिन प्लस स्कैल्प मसाज करने से ही यह रिजल्ट मिल पाया है। देखिए नो डाउट ऑन इट की क्वेश्चन रेज होता है कैसे, तो कैसे मिड स्कैल्प पूरा डैमेज था और कवर हुआ है। आपने अभी ये वीडियो देखा और आपको मेरी कंडीशन व्हाट आई वाज बिफोर 7 मंथ्स, तो आप लोगों को पूरा यकीन हो जाएगा कि मैं अराउंड अबव 4 बाल्ड लेवल का, ग्रेड लेवल का बाल्ड पर्सन था और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं श्योरली एक्सेप्ट करता हूँ बिकॉज ऑफ मिनोक्सिडाइल प्लस अदर एलोपैथिक मेडिसिन से ही मिला है, बट इवन दिस स्कैल्प एक्सरसाइज को भी क्रेडिट मैं देता हूँ, है ना भाई लोग। आई होप आज का वीडियो आप लोग को बहुत सही लगा होगा, जिसको बहुत अच्छा लगा है लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। जिन भाई ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों सोचते हो भाई, एक सब्सक्राइब कर दो यार। चलें आज के लिए इतना ही, बाय बाय।